इधर यमुनानगर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद द्वारा निरंकारी भवन सेक्टर 18 हुड्डा जगाधारी में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन संत निरंकारी मिशन का जो सामाजिक विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संत निरंकारी मिशन के 127 श्रद्धालु भक्त एवं सेवादारों द्वारा निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया गया। रक्त एकत्रित करने के हेतु सिविल अस्पताल यमुनानगर के ब्लड बैंक की टीम वहां उपस्थित हुई और इस शिविर का उद्घाटन शहर के मेयर मदन चौहान द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सपरा विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने रक्तदान शिविर में सम्मिलित होने वाले रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया एवं जन कल्याण के लिए की गई उनके सच्ची सेवा की प्रशंसा भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, रक्तदान, महादान, इन सभी सेवाओं के लिए मिशन को राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर सराहा एवं सम्मानित भी किया गया है। अच्छा, संत निरंकारी मिशन ये काम कर रहा है और रक्तदान इससे बड़ा कोई दान भी है, इसलिए हमने रक्तदान इसको महादान का नाम दिया है। रक्तदान देने वाले व्यक्ति के लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और जिसको रक्त मिलता है ये उसकी जान बचाने का काम करता है। एक माँ के बेटे की जान बचाने का काम करता है ये रक्तदान जब होता है। एक बहन के भाई की जान बचाने का काम करता है। जिस भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है तो भाई उसकी रक्षा करने का जो वादा करता है, तो जब दुर्घटना में वो बहन घायल हो तो उस बहन के